उदयमान सूर्य को अर्घ्य देकर लोक आस्था का चार दिवसीय महानुष्ठान संपन्न। बक्सर जिले में आस्था के महापर्व छठ का चार दिवसीय अनुष्ठान उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो गया। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए छठ व्रतियों ने पूरी रात गंगा तटों व अन्य जल स्रोतों के किनारे इंतजार किया। कुछ लोग अपने घरों को वापस लौट गए थे, जो कि पुनः गंगा घाट तथा अन्य जल स्रोतों के पास पहुंचे और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर महानुष्ठान को संपन्न किया। इस दौरान छठ के गीतों से जिले का हर इलाका गुंजयमान था। छठ घाटों पर भगवान भास्कर की अलौकिक प्रतिमाएं स्थापित की गई थी, जिनका दर्शन पा लोग निहाल हो रहे थे। छठ पर्व के दौरान जनता का आशीर्वाद पाने के लिए सदर विधायक संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी ने जहां तीसरे दिन बोट पर सवार होकर गंगा में परिभ्रमण किया, वहीं चौथे दिन केंद्रीय मंत्री सह बक्सर सांसद अश्विनी कुमार चौबे भी गंगा घाटों पर पहुंचे और लोगों का आशीर्वाद लिया। पूजा समितियों के द्वारा विभिन्न गंगा घाटों पर जाने वाले मार्गों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया था। राजनीतिक दलों तथा कई संस्थाओं के द्वारा दातून और देने के लिए दूध तथा चाय वितरण के स्टॉल लगाए गए थे। जयंत मेडिकल वैन भी विभिन्न गंगा घाटों के समीप क्रियाशील देखी गई। जिला पदाधिकारी अमन समीर ने बताया कि आस्था का महानुष्ठान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया, कहीं से किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। एसपी नीरज कुमार सिंह समेत तमाम पुलिसकर्मी लगातार सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे थे। प्रशासनिक अधिकारी मजिस्ट्रेट के रूप में घाट की स्थिति का अवलोकन कर रहे थे। उधर रामरेखा घाट समेत विभिन्न गंगा घाटों पर सामाजिक संस्थानों के द्वारा सहायता कैंप भी लगाए गए थे। कल्याणी हर्बल की तरफ से भी विभिन्न गंगा घाटों पर सहायता कैंप लगाया गया था। वहीं मेडिकल इमरजेंसी के लिए सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र नाथ के कथनानुसार जहां अस्पताल में सभी स्वास्थ्य कर्मी अलर्ट मोड में थे, वहीं एम्बुलेंस आदि की भी व्यवस्था सुचारू रहे, इसका भी इंतजाम किया गया था। सबसे पहले तो जितने भी बक्सरवासी हैं सभी ने जो है आज संध्या अर्घ खत्म हुआ है, सभी लोग जो है संयम का परिचय दिए हैं, सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और हम लोगों ने इंस्पेक्शन अभी किया है और कुछ कुछ जो हाँ बैरिकेडिंग वगैरह का इशू है, कहीं जो चेंजिंग रूम है वो सब अभी हम लोग ठीक करेंगे। और चूंकि पानी अभी धीरे धीरे घट भी रहा है तो बैरिकेडिंग को हम लोग उसी के अनुसार हम लोग शिफ्ट करेंगे और उम्मीद करते हैं कि कल मॉर्निंग में भी जो हम लोगों का सुबह वाला जो अर्घ है उसमें भी सभी लोगों से अपील है कि शांतिपूर्वक यहाँ पर आएँ और किसी तरह का जो है वो हड़बड़ी नहीं करना है और सारी प्रशासनिक व्यवस्था उनके साथ है और उनको पुनः जो है वो छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गंगा का जलस्तर जो बाद में बढ़ा उसके बाद जो स्थिति कहीं ना कहीं एक खतरनाक स्थिति थी। हाँ, इसमें देखिए इसमें स्थिति जो खतरनाक थी और पानी जो है हम लोग का बहुत लास्ट तक जो है वो घटना शुरू नहीं हुआ था और विगत मात्र दो या तीन दिन से जो है वो थोड़ा सा घटना शुरू हुआ था, तो हम लोगों के लिए एक चैलेंज था और उस चैलेंज के लिए हम लोगों ने सैंड बैग का काफ़ी प्रयोग हुआ है। लगभग 30,000 से ज़्यादा जो है बैग्स का हम लोगों ने इसमें प्रयोग किया है और जहाँ भी घाट दलदल था वहाँ पर हम लोगों ने प्रयास किया है कि उसकी चौड़ाई बढ़ाई जाए और जितनी चौड़ी वो सैंड के साथ रहेगी तो अर्घ देने में भी लोगों को सहूलियत होगी। उसी तर्ज पर हम लोगों ने और दूसरा था कि घाट की संख्या हम लोगों को बढ़ाना था तो हम लोगों ने ऐरोली की तरफ एक्सटेंशन किया है। अब जेल घाट तरफ जाएंगे तो वहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी एक्सटेंशन किया है और जेल घाट पे इतना बड़ा एक्सटेंशन है कि अभी भी हम लोग जितने भीड़ आई है उससे और ज़्यादा एकोमोडेट वहाँ पे हो सकता है। तो मुख्य रूप से हम लोगों का था कि भीड़ को किस तरह से हम लोग नियंत्रण करें और जो घाट की व्यवस्था है उसको हम लोग कैसे बेहतर करें, तो इसी पर हम लोगों का फोकस था। सुरक्षा के लिए हम लोग ने तीन स्तरीय चाक चौबंद व्यवस्था किया है। अभी तक मैं हमारा संध्या का अर्घ जो हुआ शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, वो ग्रामीण क्षेत्र में भी संपन्न हुआ और शहरी क्षेत्र में भी हुआ। अब हमारे द्वितीय पाली के जो पदाधिकारी और कर्मी हैं वो लग जाएंगे और जब तक जो है कि सुबह का अर्घ समाप्त नहीं होगा तब तक वो रहेंगे। इसी में हम लोग अपना नाइट पेट्रोलिंग भी है, पैदल गश्ते भी हमारा है और हर घाट पे और आने वाले मार्ग में जो प्रकाश की व्यवस्था जिला पदाधिकारी महोदय ने किया है उससे भी काफ़ी हम लोग को सहयोग मिल रहा है और उम्मीद करते हैं कि ये जैसे शाम में हम लोग का शांतिपूर्वक होगा सुबह में भी शांतिपूर्वक संपन्न हो जाएगा। आज छठ पूजा के इस महान पावन पुण्य अवसर पर समस्त बक्सर सहित बिहारवासियों को देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। भगवान भास्कर का की कृपा समस्त लोगों के प्रति बना रहे, लोका समस्ता सुखिना भवंतु और छठी मैया की कृपा से सभी स्वस्थ सुखी सानंद रहें, अपना राज्य और राष्ट्र गौरवान्वित हो। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप समस्त लोगों को पुनः प्रणाम करते हुए छठी मैया की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जय माँ, जय छठी मैया।
आप नाव का दौरा किए थे, किस तरह का रहा, जिस तरह गंगा का पानी पड़ा? देखिए, नाव का दौरा हमने दो दिन पहले भी डीएम साहब, एसपी साहब और जिला के तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी हम सभी ने घाटों का मुआयना किया था, जिसमें हम सब की एक सलाह हुई कि इसको जोन में बांट देंगे हम लोग। तो जो 60,000 सेंट की बोरियां हैं, बालू की बोरियां हैं, विभिन्न घाटों पर तरीके से लग जाएंगी, जिससे कि व्रतियों को और उनके सहयोगियों को आराम होगा अर्घ देने में और स्नान करने में, जिसकी मुकम्मल व्यवस्था यहाँ के नगर परिषद ने और जिला प्रशासन ने तरीके से कराया और उसका लाभ हमारे व्रतियों को मिला है। इसके लिए हम जिला प्रशासन को और तमाम नगर परिषद के तमाम पदाधिकारियों को, जिला के तमाम प्रशासनिक पदाधिकारियों को बधाई। कितने की संख्या होगी पूरे घाटों में? मुझे जो लग रहा है अगले साल के अनुपात में छठ व्रतियों की संख्या आधी है। जो रामरेखा घाट, नाथ बाबा घाट, शीतला घाट, रामेश्वर घाट पर जो भीड़ हुआ करती है, उस मात्रा में भीड़ नहीं थी। इससे लगता है, क्योंकि मैं 8 वर्षों से विजिट करता हूँ, घूमता हूँ, परिभ्रमण का दौरान लगता है कितने व्रती होंगे ये, लेकिन अगले साल के अनुपात 20 से बहुत कम। जी जी, बताइए।